वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। बुक है हॉर्नबिल और चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसकी इजी समरी हम देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितनी भी वीडियोस में बनाऊंगा उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहना, वहीं पे आपको सभी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन के साथ में। द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम करेज एंड स्किल एग्जाइटेड बाय गॉर्डन कुक। यहाँ पे ये जो स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है, ये एक काफी ज्यादा आप समझ लो कि भयंकर एक तरीके से, मतलब करेज और स्किल्स और ये सब इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेंगे। ये फोटो से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्या बताने वाला हूं मैं आपको। समुंदर के अंदर ये लोग यात्रा करने जाएंगे। कौन कौन है? गॉर्डन कुक है, उसकी फैमिली के अंदर है कुछ लोग हैं, उसकी वाइफ है, बीवी, बच्चे, जो भी आप समझ लो, ठीक है, और कुछ क्रियूमैन्स हैं, ठीक है, जो हेल्पर्स होते हैं साथ में, जो कि मतलब शिप्स वगैरह में रहते हैं। और ये कैसे सामना करते हैं बड़ी बड़ी पानी की लहरों का, ठीक है, बड़ी बड़ी वेव्स का, कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं भयंकर थंडर, जो मतलब आप कह सकते हो कि थंडर स्टॉर्म्स के बीच और भयंकर तूफानों के बीच कैसे वो अपनी स्किल्स दिखाते हैं और कैसे अपनी करेज को दिखाते हैं, तो यही सब हम स्टोरी में देखने वाले हैं। काफी अच्छी स्टोरी है, एंड तक देखना अच्छे से। तो बिगिनिंग कहाँ से होती है स्टोरी की, आइए देखते हैं। इट वॉज जुलाई 1976, ठीक है, कब का टाइम है ये? जुलाई 1976 का है। द नरेटर गॉर्डन कुक जो कि हैं, ठीक है, हिज वाइफ मैरी, ठीक है, उनकी वाइफ है मैरी और सन जोनाथन, उनके बेटे का नाम जोनाथन है जो कि 6 साल का है, एंड डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की है, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। वो अपनी यात्रा जो वो करने वाले थे, ठीक है, उसकी वो स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, रवाना होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लाईमाउथ जो जगह है इंग्लैंड में कहाँ पे है, तो आइए पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपके सामने इंग्लैंड का मैप है, ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल नीचे आओगे साउथ वेस्ट में तो आपको ये प्लाईमाउथ लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ से वो अपनी समुंदर की यात्रा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी समुद्री यात्रा को स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दे वॉन्टेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। वो क्या करना चाहते हैं कि कॉपी करना चाहते हैं किसकी? जेम्स कुक की। और कॉपी किस चीज में करना चाहते हैं कि आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे दुनिया का चक्कर लगाया था अपनी शिप से, और वो उसी चीज को कॉपी करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं, ठीक है, वोएज यानी कि वो समुद्री यात्रा करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड की। और यही इस स्टोरी के अंदर बताया गया कि कैसे वो अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं और क्या क्या उनको मतलब प्रॉब्लम सामने आती है। आगे देखते हैं। फॉर द लास्ट 16 ईयर्स दे हैड स्पेंड देयर लेजर टाइम इन शार्पनिंग देयर सी फारिंग यानी कि ट्रेवलिंग बाय सी स्किल्स। आज से अगर हम देखें जब से वो स्टार्ट करने वाले होते हैं, 16 साल तक उन्होंने उससे पहले प्रैक्टिस किया, अच्छे से अपने स्किल्स को शार्प किया है, कैसे मतलब सी के अंदर ट्रेवल किया जाता है, कैसे सब प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, ये सारी चीजें वो अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके थे। देयर बोट वेव वॉकर हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इट हैड बीन टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर फॉर मंथ्स। और उनकी जो बोट है, ये नाम याद रखना, आपके सामने मैंने एक फोटो भी लगाई है, जो उनकी बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर, यानी कि जो वेव्स को, जो समुद्री वेव्स होती हैं उसको भी पार करती हुई निकल जाए, ठीक है। इस बोट को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था, काफी प्रोफेशनलिस्ट मतलब लोग थे इसको बनाने वाले, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया और इसको अच्छे से टेस्ट भी किया गया था कि भाई खराब से खराब वेदर में भी इस पे कोई असर ना हो, तो काफी अच्छी थी ये बोट। अब क्या होता है, फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी पास्ड, जब वो अपनी यात्रा शुरू कर चुके होते हैं उसका फर्स्ट लेग यानी कि पहला पार्ट जब खत्म होता है तो क्या क्या उनको दिक्कतें आती हैं देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली। उनकी जो पहली, जो मतलब आप कह सकते हो कि जो पहला लेग होता है यानी कि जो पहला पार्ट होता है उनकी, जो 3 साल की एक वो जर्नी वो करने वाले थे, और वो कितनी थी, 1,05,000 किलोमीटर लंबी, वो मतलब इसका जो पहला पार्ट होता है वो प्लीजेंटली यानी कि काफी अच्छी तरीके से गुजर जाता है। और दे टुक
ऑन टू क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। वो अपने साथ दो क्रूमैन उसके साथ मतलब रखते हैं बोट के अंदर। और क्रूमैन का काम क्या होता है, अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो वो हेल्प करते हैं वहां पे। तो दो लोग थे जो कि हेल्पर समझ सकते हो आप। उसमें पहला जो था वो अमेरिका से था, अमेरिकन लैरी विजिल, और दूसरा जो था वो था स्विस हर्ब सिगलर। ठीक है, ये दो लोग थे, याद रखना। दे वर टू हेल्प देम, ठीक है, और वो हेल्प करने वाले वहां पे लोग थे कि आने वाले टाइम पे अगर कोई भी ऐसा वेदर बन जाता है खराब या तूफान आ जाता है, आपको पता है समुंदर में तूफान आते रहते हैं, तो उस टाइम पे वो हेल्प कर सकें। दे वर टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशियन। जब वो वहां से अपनी यात्रा शुरू करके आगे जाने वाले थे तो उनको बीच में एक ओशियन पड़ता है और वो ओशियन का नाम है सदर्न इंडियन ओशियन। वो जो है काफी ज्यादा वहां का मौसम भयंकर रहता है, ठीक है, और इसीलिए वो उनके साथ में थे। दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, दे वर हेडिंग टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अब क्या होता है आगे, वो धीरे धीरे जब बढ़ते तो वो आगे बढ़ते 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 कहाँ पहुंचते हैं, वे पहुंचते हैं अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के अंदर एक जगह है केप टाउन, आप ये नीचे देख सकते हो, ये जो रेड सा आपको मार कर दिख रहा है, ये यहाँ पे पहुंचते हैं धीरे 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 चलते हुए। और अब इनको यहाँ से जाना होता है ईस्ट की तरफ, यानी कि इस साइड इन्हें जाना होता है। ठीक है, तो वो आगे बढ़ते जाते हैं ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में। अब क्या होता है, एनकाउंटर्ड स्ट्रोंग गेल्स। यहां से भाई इनकी फिल्म बनना स्टार्ट होगी कि कैसे इनको इतनी ज्यादा भयंकर भयंकर वेव्स का सामना करना पड़ेगा, तूफानों का। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे एनकाउंटर्ड एक्सट्रीमली स्ट्रोंग विंड्स। ये जो गेल्स एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रोंग विंड्स, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रोंग जो हवाएं चलती हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हवाओं का सामना करना पड़ा। द साइज ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग। जो वहां पे पानी की लहरें थी आपने देखी होंगी समुन्द्र में, वो इतनी ज्यादा खतरनाक लहरें आ रही थी वहां पे, लगभग आप समझ लो 15 मीटर से भी ऊंची थी वो। दे सेलिब्रेटेड द क्रिसमस इन स्पाइट ऑफ रफ वेदर। लेकिन ये जो इतना मतलब बेकार मौसम हुआ पड़ा था, उसके बावजूद वो अपना जो क्रिसमस का एक फेस्टिवल होता है उसको वो वहां पे सेलिब्रेट करते हैं अंदर ही। अब क्या होता है देखते हैं, द वेदर कंटिन्यू टू बी बैड इवन ऑन द न्यू ईयर्स डे। आपको पता है 25 तारीख को क्रिसमस होता है, और उसके बाद वेदर जो था 25 तारीख से लेके जब न्यू ईयर आ गया था, यानी कि 1 तारीख थी, और वहां से लेके 2 तारीख तक भी वेदर वैसा ही था, बिगड़ा हुआ। और जो पानी की लहरें थी आप देख सकते हो, वो और ज्यादा ऊंची हो गई थी, मतलब और ज्यादा खतरनाक होने लगी थी। एंडलेस बिग वेव्स केम रोलिंग टुवर्ड्स देम, द विंड सिंपली स्क्रीम्ड। यानी कि जो वो बड़ी बड़ी, आप कह सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी वो वेव्स थी जिसका कोई एंड नहीं था, और वो मतलब आगे बढ़ती आ रही थी उनकी तरफ, और जो हवाएं थी वो इतनी तेज चल रही थी, जैसे आपने कभी तेज हवाओं की आवाज सुनी होगी, बिल्कुल वैसे ही वो तेज तेज हवाएं चल रही थी, और मौसम बिल्कुल बिगड़ चुका था वहां का। अब उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लिए, आइए देखते हैं। टू स्लो द बोट डाउन दे ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम जिब। अब वो एक पर्दा गिरा देते हैं जो कि मतलब जो स्ट्रॉम्स तूफान वगैरह आते हैं उनके बचाव के लिए होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, वो उसको गिरा देते हैं ताकि क्या हो कि जो मतलब बोट है वो थोड़ी सी धीरे हो जाए। दे टाइड हैवी रोप्स अक्रॉस द स्टर्न, और वो रस्सियों से बांध देते हैं जो बैक साइड ऑफ बोट, यानी कि जो बोट का पिछला हिस्सा होता है उसको काफी अच्छी तरीके से, हैवी जो रोप्स होती हैं मोटी मोटी, उससे उसको बांध देते हैं। और क्या होता है, दे अटैच्ड द लाइफ लाइन्स, पुट ऑन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। और वो अपनी जो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा ये जो फोटो है आपके सामने, जब हम कभी बोटिंग करने जाते हैं या मतलब कोई यात्रा पे जाता है, ठीक है, कोई ट्रैवलिंग करने जाता है, तो उसके पास में एक ही मतलब लाइफ जैकेट्स होती है कि कोई डूबे ना, तो उनके पास जो है ये सब था और वो ये सब चीजों को पहन लेते हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ द कमिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो पहला साइन था आने वाले डिजास्टर, जो मतलब डिजास्टर का, वो उन्हें पता चलता है शाम को 6 बजे। द विंड ड्रॉप द स्काई ग्रू डार्क। ठीक है, हवाएं थी वो रुक गई और जो आसमान था वो बिल्कुल काला हो गया, बिल्कुल डार्क हो गया। और क्या होता है देखते हैं, देन केम अ ग्रोइंग रोअर दैट चेंज्ड इनटू ए थंडर। एक बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक आवाज आती है, एकदम आप समझ लो बहुत तेज आवाज होती है, जो कि आगे चल के एक थंडर में बदल जाती है। अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन टुक प्लेस। एक बहुत भयंकर आप कह सकते हो धमाका होता है, उनको आवाज आती है। इट शुक द डेक
अ वॉल ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। और जो डेक का जो एरिया होता है, आपने देखा होगा कि जो बोट होती है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया होता है खड़ा वगैरह होने का, वहां पे वो पानी आ जाता है पूरा, जितना भी सी का पानी होता है, ठीक है, और वो एकदम से आता है झटके से। फिर क्या होता है आगे देखते हैं, ये जो आपको फोटो दिख रहा है इसको आप डेक समझ लो, ठीक है, यहाँ पे जो आप खड़े हो सकते हो ये पूरा डेक का एरिया होता है। नरेटर्स हेड क्रश्ड इनटू द व्हील, और ये जो चक्रा होता है जहां से इसको कंट्रोल किया जाता है डायरेक्शन को बोट की, शिप की, वो वहां पे जाके सर लगता है किसका, नरेटर का। फिर क्या होता है, Accepted his approaching death, और उनको अब लगने लगता है कि भाई अब हम मरने वाले हैं, ठीक है, इतना ज्यादा भयंकर मौसम हो गया है, उनका सर जाके वहां पे लग रहा होता है, इधर उधर सारे हिल रहे होते हैं। वेव्स टोस्ड हिम अराउंड द डेक, और जो वो वेव्स होती हैं पानी की वो उसको उछाल के रख देती हैं पूरे डेक के ऊपर, मतलब इतना ज्यादा पानी आता है आप समझ नहीं सकते हो कि बिल्कुल वो अपनी मौत को वो इमेजिन कर चुके होते हैं कि भाई अब हमारी मौत आने वाली है। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और नरेटर की जो पसलियां होती हैं, मैंने आपके सामने फोटो लगाई है, रिब्स का मतलब होता है पसलियां, जो इतना ज्यादा पानी आ रहा होता है आप ये समझ लो जो उसकी पसलियां भी टूट जाती हैं। हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड, उसका पूरा मुंह जो होता है वो खून से भर जाता है और उसके दांत टूट जाते हैं। ही वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस, वो अपने होश को धीरे धीरे खोने लगता है। वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग का मतलब होता है डूबना, जो उनकी बोट थी वो धीरे 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 डूबने वाली थी ऐसा लग रहा था। अब क्या होता है आगे देखते हैं, सडनली हिज वाइफ अपियर्ड एंड क्राइड वी आर सिंकिंग, एकदम से उसकी वाइफ आ जाती है यहाँ पे नरेटर की, गॉर्डन कुक की, और वो चिल्लाती है, इसका नाम मैरी था आपको याद हो तो, वो चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं, ठीक है, वी आर सिंकिंग। लैरी एंड हर्ब, आपको याद होगा ये दोनों कौन थे, ये हेल्पर्स थे, ठीक है, और लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर फेंक रहे थे, पानी आता जा रहा था आता जा रहा था, आप ये समझ लो वो बहुत मेहनत कर रहे थे। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, ये सारी चीजें जो थी उनकी जो अपने साथ लाए थे वो सभी इधर उधर बिखर रही थी पानी के अंदर, ठीक है, पानी इतना ज्यादा अंदर आ चुका था। अब क्या होता है, ही क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, अब जो नरेटर है, ठीक है, जो गॉर्डन कुक है, वो धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने चिल्ड्रंस के कैबिन में जाता है। देवर सेफ, ओनली सूज हेड वाज स्वोलन, वो सभी बच्चे वहां पे सेफ थे, लेकिन जो सुजैन थी, यहाँ पे जो सू है जिसका शॉर्ट में नेम लिखा हुआ है, उसका जो सर था वो थोड़ा सूज गया था, ठीक है, आंख के ऊपर से, शी हैड अ डीप इंजरी, और उसको इंजरी हो गई थी सर पे। द एंटायर नाइट वाज स्पेंट इन पंपिंग एंड रिपेयरिंग, उनकी पूरी रात पानी को पंप करने में ही चली गई और रिपेयरिंग करने में चली गई, कहां से क्या नुकसान हुआ बोट में, और बहुत ज्यादा बेकार पूरा मौसम हुआ पड़ा था। बाय मॉर्निंग ऑन January 3rd द पंप्स, यानी कि जो उनके पास इलेक्ट्रिक पंप था, ठीक है, उसने क्या किया, कैप्ट द वाटर लेवल अंडर कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पंप ने पानी के लेवल को थोड़ा कंट्रोल में किया। दे कुड रेस्ट फॉर 2 आवर्स इन रोटेशन, और वो जितने भी लोग थे उस बोट के अंदर वो अब रेस्ट कर सकते थे बारी बारी से, कभी वो रेस्ट करता, कभी कोई और रेस्ट करता, कभी वो जो दो हेल्पर थे वो रेस्ट करते, तो इस तरीके से ये अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, अपनी ब्रेवरी दिखा रहे थे। अब क्या होता है, सर्च फॉर एन आईलैंड, देर वॉज अ स्टिल बिग लीक बिलो द वाटर लाइन, एक कोई ना कोई वहां से, मतलब आप ये समझ लो कि जो नीचे का जो हिस्सा था वो लीक हो रहा था वहां पे। बोट्स रिब्स फ्रेम्स वर स्मैश, जो बोट के जो रिब फ्रेम्स होते हैं, जो साइड का आप ये समझ लो जो हिस्सा होता है बोट का, वो लगभग स्मैश हो चुका था, टूट चुका था। फिर क्या होता है, दे हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव्स हिट देम, और वो लगभग आप ये समझ लो 15 घंटे तक सर्वाइव कर लेते हैं काफी अच्छी तरीके से, जबकि वेव्स भी उनको हिट कर रही थी। बट वेव वॉकर कुड नॉट होल्ड टूगेदर लॉन्ग इनफ फॉर देम टू रीच ऑस्ट्रेलिया, देखो अब जो उनकी बोट थी वेव वॉकर, उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उनको लेके कहाँ पे ले जाए, ऑस्ट्रेलिया तक। काफी ज्यादा वो मतलब लोग परेशान हो गए थे, वेव वॉकर लगभग टूट चुकी थी और वो बहुत ज्यादा मुश्किल से उसको आगे बढ़ाते जा रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब क्या होता है, द नरेटर चेक्ड देयर चार्ट्स, नरेटर जो अपने चार्ट जो भी थे उसके पास वो देखता है, मैप्स वगैरह जो भी थे उसके पास, कैलकुलेट करता है कि देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, वो कहता है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ईस्ट में, यहाँ पे आगे चल के 2 स्मॉल आइलैंड्स हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर के दायरे में। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, देयर ओनली एम वाज टू रीच देयर, और उनमें से जो एक था आइलैंड जिसका नाम था आइल एम्स्टरडम, वो काफी ज्यादा उनसे नजदीक था और वो यही चाहते थे कि हम वहां तक पहुंच जाएं, कम से कम हमारी जान बचेगी। अब क्या होता है,
हाउएवर द ग्रेट वेव हैड पुट द सपोर्टिव इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो उनका सपोर्टिव इंजन था बोट का, वो अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था क्योंकि वेव्स बहुत ज्यादा थी। ठीक है, वेव्स की फोटो आप देख सकते हो, इतनी ऊंची ही समझ लो उनके ऊपर आ रही थी वेव्स, और क्या हालत हुई होगी बोट की। ऑन जनवरी 4th द वाटर लेवल कुड बी कंटेन्ड, दे कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। ठीक है, अब उनके पास क्या था, जनवरी 4 को क्या हुआ, जो वाटर का लेवल था भाई वो तो थोड़ा सही था, लेकिन अब उनकी जो बोट की हालत हो गई थी, वो कोई भी सेल सेट नहीं कर सकते थे, पर्दा नहीं लगा सकते थे। ठीक है, मेन मास्ट जो होता है, जो मेन जो पर्दा लगाया जाता है, वो नहीं लगा सकते थे। फिर क्या होता है, बट दे होस्टेड द स्ट्रॉम जिब एंड हेडेड फॉर द टू आइसलैंड्स। और वो, लेकिन वो क्या करते हैं, जो स्ट्रॉम जिब था मैंने आपको दिखाया था, एक जो पर्दा सा होता है स्ट्रॉम्स के लिए, वो लगाते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, जो दो आइलैंड्स थे जिसमें से एक आइल एम्स्टर्डम था उसकी तरफ बढ़ते हैं। दे एट देयर मील आफ्टर ऑलमोस्ट 2 days। वो लगभग 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था, उसके बाद वो अपना खाना खाते हैं। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स वर बिल्डिंग अप बिहाइंड देम। 4 बजते हैं जब शाम के, तो उनके पीछे जो काले बादल थे वो बनने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, विंड वाज बैक टू 40 knots। अब यहाँ पे नॉट्स क्या होता है, जब हम हवाओं को जब हम मेजर करते हैं कि कितनी स्पीड आ रही है, तो वो हम नॉट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हवाएं जो थी वो 40 knots की स्पीड से चल रही थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो वो पानी का लेवल था वो धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा था। द वेदर रिमेन्ड रफ, यानी कि वो जो उनका वेदर था उस टाइम वहां पे, वो ऐसा ही खराब बना रहा पूरी रात। सिचुएशन रिमेन्ड सेम मॉर्निंग तक, यानी कि डॉन, यानी कि जो सुबह का पहला टाइम होता है जब किरण आती है धरती पे, तब तक भी वो मौसम कुछ वैसा ही था जनवरी 5 तक। द नरेटर वेंट इनटू द, जो नरेटर है वो केबिन में जाता है जहां बच्चे थे, और बच्चों को वो कंफर्ट करने जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं ऐसी मतलब हालात अगर हो जाए तो। द नरेटर ट्राइड टू एश्योर हिज सन, नरेटर अपने बेटे जोनाथन को समझाने की कोशिश करता है कि आप बिल्कुल भी घबराओ मत, हम जरूर बच जाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लड़का इतना ब्रेव होता है जॉन, और वो ये कहता है कि डैड We are not afraid of dying if we can all be together. वो कहता है कि हम बिल्कुल भी मतलब मरने से डरते नहीं अगर हम सब एक साथ हैं। The narrator was speechless. और वो काफी इमोशनल हो जाता है narrator यहाँ पे, जो मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसा अगर छोटा बच्चा ऐसी बात कहता है कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ में हैं, तो वो काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। नरेटर एंड हिज वाइफ फेल्ट दैट देयर एंड वाज वेरी नियर। नरेटर और जो उसकी वाइफ थी मैरी, उनको ऐसा लगने लगता है कि भाई अब हम मरने वाले हैं, इतना सब कुछ तो हो चुका है। और वेव वॉकर रोड आउट द स्ट्रॉम एंड नरेटर रीचेक्ड हिज ओन कैलकुलेशन। धीरे 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 टाइम सही होता है, जो उनकी बोट वेव वॉकर थी वो अब उस तूफान से बाहर निकल जाती है, और वो फिर से नरेटर अपना मैप्स वगैरह जो उसकी कैलकुलेशन थी, जो चार्ट थे, वो देखने के लिए जाता है। एंड कुड एक्सपेक्ट टू सी आईलैंड एट अबाउट 5 PM ऑन जनवरी 6th इवनिंग। और वो एक्सपेक्ट करता है ऐसा कि भाई 5 बजे तक शाम के, जनवरी 6 के हम शाम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, आइल एम्स्टर्डम तक। फिर क्या होता है, उनकी लैंडिंग काफी सेफ तरीके से हो जाती है। क्या होता है, द सन जोनाथन सीम्ड क्वाइट एक्साइटेड एंड वांटेड टू हग हिज फादर। अब जो वो छोटा बेटा होता है उसका, ठीक है, जोनाथन, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि भाई अब हम पहुंचने वाले हैं आइलैंड पे। वो अपने पापा को हग करता है और ये भी कहता है कि उसके जो डैडी हैं वो सबसे बेस्ट डैडी हैं इन द होल वर्ल्ड। दे फाउंड द आइलैंड आइल एम्स्टर्डम, और वो लास्ट में उनको वो आइलैंड मिल जाता है आइल एम्स्टर्डम। ठीक है, फिर क्या होता है, द नरेटर रस्ट टू द डेक। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो बोट के अंदर का हिस्सा होता है जहां पर हम चल फिर सकते हैं डेक का, वहां पे पहुंचता है नरेटर, जाता है एंड सो आइल एम्स्टर्डम बिफोर हिज ओन आइज। उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि हाँ भाई अब हम पहुंचने वाले हैं आइल एम्स्टर्डम तक। ठीक है, और वो अपनी आंखों से देखता है आइलैंड को। दे एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, वो अपने वहां पे मतलब जो किनारा होता है, ठीक है, जो समुद्री तट का, वहां पे लंगर डालते हैं वो। ठीक है, अपनी बोट को खड़ा करते हैं और अपनी रात वहां पे गुजारते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सुबह होती है, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड केम टू चीयर देम। और जो वहां पे जब वो मतलब पहुंच जाते हैं ब्लास्ट में, तो और जब मतलब सुबह होती है, तो वहां पर जितने भी उस आइलैंड पे लोग रहते हैं, टोटल 28 ही होते हैं, वो वहां पे आते हैं, उनका वेलकम करते हैं। ठीक है, और मतलब उनको चीयर करते हैं कि आप मतलब बच गए जिंदा, आप मतलब काफी ज्यादा ब्रेव हो, ये सब हो। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं और फाइनली इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आपको देख के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना स्टोरी कैसी थी, और चैनल को सब्सक्राइब ना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।